ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में आज से 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें डॉक्टर निर्मल सिंह के सपुत्र और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई, जो वायरल भी हुई। और उसके बाद एक दूसरों पर आरोप लगाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। वो पहले वो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ। ये अनिरुद्ध जी हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। ये तस्वीरें आप थोड़ा सा क्लोजअप में देखें, ये उस दिन की तस्वीरें हैं, ये उस दिन की तस्वीरें हैं जब ये झड़प हुई थी। तो ये तस्वीरें हमें लगता है आप सबने देखी ही होंगी। और यहाँ पर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में एक सेमिनार था और महाराजा हरि सिंह जी की हिस्ट्री जो थी वो बताई जा रही थी। और उसके बाद ये सिलसिला जो है, वहाँ पर डॉक्टर निर्मल सिंह भी आए थे, उनके सपुत्र भी आए थे, और उस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी आ गए। उस दौरान पत्रकार के साथ भी, एक महिला पत्रकार के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ, वो भी बातें जो थी वो सामने आई, वीडियोस कुछ सामने आई। लेकिन उसके बाद आरोप लगाए गए, आरोप ये लगाए गए डॉक्टर निर्मल सिंह के जी के सपुत्र के द्वारा कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो हैं वो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर लड़कियां छेड़ते हैं, दारू पीते हैं, और इनको मार मार भी पड़ी है, ये मामला पुलिस तक भी पहुंचा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अनिरुद्ध हैं, एनएसयूआई के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके ऊपर आरोप लगे हैं, आपकी जितने भी टीम हैं उनके ऊपर, कुछ 5-6 लोगों के नाम लिए हैं, उन पर आरोप लगे हैं कि लड़कियां छेड़ते हैं, तो लड़कियां छेड़ते हैं आप यूनिवर्सिटी में? सर, मैं इस पे आपको बताना चाहूंगा कि ये सबसे पहले इनका जो इमेच्योर बिहेवियर है जो उन्होंने उस दिन किया, अगर उस दिन वो ये अपना इमेच्योर बिहेवियर नहीं करते तो यहाँ तक बात ही नहीं पहुँचती। हमारा एक जो हक था, एक जो डेमोक्रेसी थी जो हमें बताई जाती है, आप निर्मल सिंह जी को एज अपना प्रोफेसर देखते हैं, वो यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर रह के हम उनका इज्जत करते हैं। हमारे जो पॉलिटिकली मतभेद हो सकते हैं, आइडियोलॉजी के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनसे हमारा पर्सनल कुछ नहीं है। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि विक्रमादित्य जी से भी हमारा पर्सनल कुछ नहीं है, ना उनके फादर से कुछ है। हम वहाँ पे सिर्फ उनके फादर से कुछ प्रश्न पूछने के लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए थे या साथ में थे कि हम उनसे ये पूछेंगे कि एक जो चित्र नीचे रखे गए थे, सर उस पर आपका क्या कहना है, वहाँ पे जो अपमान किया गया चित्रों का नीचे रखकर, वो किसके द्वारा हुए और उस पर आपका क्या भी वो जो है आपका जो स्टेटमेंट कह रहे हैं, प्लान था ये सारा आपने सोची समझी? प्लान किस पे में बोल रहे हैं कि ये नीचे खड़े होके बैठ के चाय कॉफी पी रहे थे। वो हम इसलिए पी रहे थे क्योंकि हम बीच में नहीं जाना चाहते थे, अंदर वहाँ पे एक जो सेमिनार चल रहा था हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। वो हमारे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बच्चों ने, हमारे साथियों ने बड़ी मेहनत के साथ किया था, उन्होंने दिन रात उस जो प्रोग्राम के लिए मेहनत की, रातों को सोए नहीं। हम उनका प्रोग्राम कभी भी खराब नहीं करना चाहते थे सेमिनार अंदर जाके। और दूसरा, जब सर अंदर पे निर्मल सिंह जी अपनी स्पीच दे रहे थे, हम उसको नहीं काटना चाहते थे, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे। हमने बाहर आधा एक घंटा वेट किया कि सर जब फ्री हो गया उनसे बात करेंगे। सर जब फ्री होके बाहर आए, जैसे ही हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे एक प्रश्न पूछा कि सर आप बताइए इस पे आप छुट्टी पे क्या स्टैंड है, उनके सपुत्र ने कुछ मीडिया चैनल के साथ ये एडमिट कर लिया कि मेरी गलती है, मैंने जाके लड़के के कंधे पे ऐसे हाथ रखा, मुझे नहीं रखना चाहिए था। उन्होंने आते ही लड़के के कंधे पे ऐसे हाथ रखा, बोलता तू कौन है, मेरे साथ स्टेट प्रेसिडेंट सनी परियार, उनके कंधे पे उन्होंने हाथ रखा, तू कौन है ये पूछने वाला। वो इस टाइम पे स्टूडेंट है जम्मू यूनिवर्सिटी का, बोनाफाइड सर यहाँ पे आए हैं, 2017 में ही रिटायर हुए हैं। तो सर हमारा हक बनता है उनसे प्रेशर पूछने का, वो हमारे एज अ यहाँ से प्रोफेसर रह के जा चुके हैं और डिप्टी सीएम हैं हम, उनके जिस भी उस हिसाब से वो आए थे, जिस भी दायित्व से वो आए थे, चाहे वो उस दायित्व से आए थे प्रोफेसर के, तो हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हम सर से प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर वो एज अ डिप्टी सीएम आए थे तो हम फॉर्मर डिप्टी सीएम आए थे तो हम अपोजिशन में, हमें प्रेशर पूछने का पूरा हक है, तो हम वो पूछेंगे। लेकिन ये आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन उनके सपुत्र को ये चीज़ ये पता नहीं क्यों हुई कि मेरे फादर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उन्होंने धक्का मुक्की स्टार्ट कर दी उस पर, और वो खुद ही एक वीडियो में बोल रहे हैं कि मेरे फादर को जो है वाई प्लस सिक्योरिटी है, जेड प्लस सिक्योरिटी है। तो क्या इनको जम्मू यूनिवर्सिटी की वाई प्लस सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी पे भरोसा नहीं है? जो उनको सरकार ने उनको सिक्योरिटी दी है वाई प्लस जेड प्लस, क्या वो निर्मल सिंह जी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती? चलो इनको लगा, ये बोलते हैं कि मेरे को उनके बिहेवियर से लगा
पता नहीं इनके पास कौन सी शक्ति थी जो इन्होंने दूर खड़े हमारा बिहेवियर देख लिया कि खराब है। चलो इनको लग गया हमारे बिहेवियर से कि हम खराब हैं, तो क्या वो जो सिक्योरिटी पर्सनल जो साथ में व्यापन लेके छह खड़े थे उन पे भरोसा नहीं था, वो निर्मल सिंह जी को नहीं बचा सकते? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन नाम लेकर आपका जी आपका नाम लेकर कह रहे हैं आप लड़कियां छेड़ते हैं दारू पीते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने भी उसके बाद वाइट की, हमारे से उस दिन के इंसिडेंट्स के बारे में पूछा गया, हमने उस इंसिडेंट्स के बारे में बताया, हमने कहीं पर यह नहीं बोला कि वो क्या करते हैं, कहां से पढ़ के आए, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया है। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं वही किया कर रहा हूं जो उनके फादर ने किया है। उनके फादर ने यहाँ जमीन से पीएचडी की है, मैं भी जमीन से पीएचडी कर रहा हूँ, वो तो नहीं आप कर पाए, लेकिन जो उनके फादर ने किया मैं वो कर रहा हूँ। उनके फादर बाद में जाके प्रोफेसर बने, बनके भी लीडर्स को रोकते थे, प्रोटेस्ट करते थे, अपोजिशन में थी उस टाइम पे बीजेपी और वो बीजेपी की सरकार नहीं थी, वो रोकते थे लीडर्स को सड़कों पे और लाठियां खाते थे। अगर उनके फादर ठीक थे उस समय पे तो हम भी ठीक हैं, अगर हम गुंडे हैं तो फिर उनके फादर भी गुंडे थे, एक बात। और दूसरी चीज ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं, उस दिन भी इमेच्योर बिहेवियर किया, आज भी इतना इमेच्योर बिहेवियर, क्या पर्सनल हो चुके हैं आप? पर्सनल एलिगेशन आप लगा रहे हैं कि ये करते हैं वो करते हैं। मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूं, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम का कैप्टन रह चुका हूं, फाइनल जीता है मैंने यूनिवर्सिटी की टीम का, इंटर कॉलेज में कैप्टन रह चुका हूं, मैं एक एथलीट हूं, मैं यहां पे स्पिन करता हूं, मेरा मेडिकल टेस्ट कराइए, मेरे नसों में आपको जूस दिखेगा, यूनिवर्सिटी का जो सस्ता जूस है वो दिखेगा, मेरी नसों में आपको शराब नहीं दिखेगी। थोड़ा बहुत तो पीते होंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं मेडिकल आज मैं आपको मेडिकल करवा के अपना दे सकता हूं कि अगर मेरे खून में आज तक दो बूंद तक आ जाएगी अल्कोहल की शराब की तो मैं ये यूनिवर्सिटी छोड़ के चला जाऊंगा, मैं यहां से डिग्री नहीं करूंगा, मैंने आज तक अभी टेस्ट तक नहीं किया, पहली बात। दूसरा बोलते हैं जी इन्होंने पता नहीं लड़के छेड़ी तो इन पे केस चल रहा है, मैं 3 साल की ग्रेजुएशन मेरी यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से है, 2 साल की मेरी MBA यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से है, और अब मैंने एंट्रेंस क्लियर किया, मैं PhD भी यहां से कर रहा हूं। इस ड्यूरेशन में अब मेरे अगेंस्ट कोई एक रिटर्न कंप्लेंट यूनिवर्सिटी में दिखा दें किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी, कि मैंने किसी से कोई बदतमीजी की या मैंने कोई शराब पी या मैंने कोई लड़की, एक कंप्लेंट, उन्होंने जो मेरे पे एलिगेशन लगाई हैं वो किसी एक डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी जो है मेरी पर्सनल तो है नहीं, है ना कि जो मैं अपने केस बचा लूंगा या खत्म कर लूंगा, अगर मेरे पे कोई इंक्वायरी बैठी है जो मेरे पे कोई केसेस हुए हैं वो लेके आए, वो उसको प्रूव करें, उनके फादर प्रोफेसर रह के गए हैं, उनके फादर डिप्टी CM है, मेरे वो केसेस वो एलिगेशन जो उन्होंने मुझ पर लगाई हैं उन एलिगेशन को ये प्रूव करें, मैं अपनी डिग्री छोड़ के यहाँ से चला जाऊंगा। बट अगर वो प्रूव नहीं कर पाते हैं जो मेरे पे फॉल्स एलिगेशन लगाई हैं, नहीं तो वो क्यों फिर एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं? टोटली इमेच्योर बिहेवियर है ये। उस दिन भी अगर वो बीच में नहीं आते, हम उनके फादर से हेल्दी डिस्कशन करते, हेल्दी डिस्कशन जो एक शायद उन्होंने यूनिवर्सिटी कभी जाए नहीं, उन्होंने यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर नहीं देखा शायद, इसी वजह से वो लैक कर रहे हैं, वो हेल्दी डिस्कशन होती जो पहली बार नहीं था, जो बहुत समय से डॉक्टर साहब भी करते आए हैं लीडर्स के साथ, तो हम भी करते, डॉक्टर साहब आते हैं हम उनसे दो प्रश्न पूछते, वो हमें उत्तर देते हैं, हम उनको बोलते सर, उनसे सर सर करके बात की, उसके बाद भी सर को मैंने बोला सर आपकी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने मुझे बोला बेटा साइड पे आओ, इनको रहने दो, इसके बिहेवियर के लिए मैं माफी मांगता हूँ, डॉक्टर साहब की ये वर्डिंग थी, मैं इसके बिहेवियर के लिए माफी मांगता हूँ, आप साइड पे आओ। डॉक्टर साहब भी शर्मिंदा थे अपने बेटे के, उन्होंने अपने, आप उस वीडियो को ध्यान से देखना, वो डॉक्टर साहब की गाड़ी में बैठ के नहीं गए, डॉक्टर साहब अनिरुद्ध जी की बातचीत से, अनिरुद्ध जी नहीं विक्रमादित्य जी की बातचीत से ऐसा नहीं लगता कि वो इमेच्योर हैं, वो तो मैच्योर हैं, वहां पर तो हो सकता है थोड़ी मिसकंसेप्शन के कारण ये सारा मामला बढ़ गया। मिसकंसेप्शन ये थी वहां पे उन्होंने मैच्योर एक्ट किया, अगर वो बीच में नहीं पड़ते, अगर हम गलत थे, हमें सिक्योरिटी देखती, हमें सिक्योरिटी उठाती, 6 सिक्योरिटी ऑफिसर थे वो हमें देखते, ऐसा तो नहीं है ना कि ये 6 सिक्योरिटी से अकेले ज्यादा ताकतवर हो गए थे, कि 6 जो CRPF वाले थे उनसे ज्यादा ताकतवर अकेले वो थे, तो 6 उनपे उनको साइड पे छोड़ के अकेले लड़ने पड़े, ठीक है। आप उस वीडियो में देखें उन 3 सिक्योरिटी वालों ने इनको पकड़ के साइड किया, और डॉक्टर साहब ने जो है सिक्योरिटी वालों को बोला इसको यहाँ से लेके जाओ, इनको पैदल वहां से लेके गए, अपनी गाड़ी में नहीं बिठाया डॉक्टर साहब ने, उन्होंने उनको बोला कि इसको यहाँ से लेके जाओ, सिक्योरिटी वाले पैदल लेके उनको वहां से निकल गए। जब हम डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर साहब ने उनको तक बोला कि मत कर, आप वीडियो में देखना, रति शर्मा जी को वीडियो चलाने नहीं दी गई, उनके चैनल ने शायद उनको मना कर दिया, उसमें उन्होंने उनका हाथ पकड़ा है, उनका धक्का मारा है, सामने दिख रहा है वो, आपने जैसे शुरू में बताया कि एक पत्रकारिता के साथ में बदतमीजी की गई, उनको धक्का मारा हाथ पकड़ा, उस वीडियो में सब कुछ है, जो हमारे फोन में वीडियो है उसमें भी है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं उनको, बोल रहे हैं कि ये मेरे बच्चे हैं नहीं कर, ये अपने बच्चे हैं उनको बात करने दो, तू मत कर तू मत कर, हमें बोल रहे हैं तू मत करो यार, मेरे से बात करो मेरे से बात करो, इसको छोड़ो, और उसको वहां से निकाला। जब उनको निकाला डॉक्टर साहब ने माफी मांग ली, हमने बात को खत्म कर दिया। चलो जी, आप पर आरोप लगे, आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि आप नहीं करते हैं जी जी, बाकी वाले तो आपके कार्यकर्ता करते ही होंगे, छेड़ते होंगे लड़कियां, जवान लड़के हैं, कुछ ऐसी हरकत की होगी तभी वो कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं? अगर नहीं, वो पर्टिकुलर उन्होंने शायद उसमें मेरा नाम लिया है, उन्होंने मेरा पर्टिकुलर उस वीडियो में, मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पास है, लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ पे पढ़ने आया है, जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में डिग्री कर रहा है, यूनिवर्सिटी तक जो पहुंचा है, कई बार थोड़ा जो प्रधान वगैरह बन जाते हैं उनमें थोड़ा जोश आ जाता है, तो थोड़ी सी
जो प्रधान बनता है उनको पार्टी जा तो निकाल देती है, जाओ अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो, जब बच्चे उनके साथ नहीं चलते। उनका ऐसा है कि वो बच्चों के हित में काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए वो खड़े हैं शाना बशाना उनके साथ, तो बच्चा उनके साथ चल रहा है। मेहनत करते देखा है हमने सभी कार्यकर्ताओं को, देखा है कि हाँ ये लोग मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसी हरकतें अब क्या पता पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, हम यहाँ पे ऐसा है कि दो तीन दिन वर्किंग डेज नहीं है तो हम फ्री होते हैं, नहीं तो सुबह से लेकर शाम तक हमको एडमिशन्स के लिए और डिग्रीज के लिए फोन आना शुरू होते हैं, हमारी डिग्री निकालिए, हमारे एडमिशन्स कराइए। हमें दो तीन दिन मिलते हैं, हम यहाँ पे लाइब्रेरी में आते हैं और बैठ के पढ़ते हैं, बाकी के चार पांच दिन हमें जो है वो स्टूडेंट्स की जो है वो काम करने में निकल जाता है, कि हम किसी को कभी मना नहीं करते कि कौन है उसका क्या काम है। और यूनिवर्सिटी में बहुत से छात्रों के जो है वो काम होते हैं, हम उसमें लगते हैं, हम ये सब करने यूनिवर्सिटी में नहीं आते और ये सब करके हम यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, ये सब करके मैं रिसर्च करने या पीएचडी करने नहीं पहुंचा, ना ही मेरे कोई साथी पहुंचे हैं, वो भी बड़े को पढ़ के यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस क्लियर करके वो अंदर आए हैं, वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो ऐसा करने यहाँ पे कोई भी नहीं आया है, ना गुंडागर्दी करने या किसी को छेड़ने या ऐसा कुछ करने। हाँ जो नहीं आए वो आउटसाइडर जो साथ आ रहे हैं किसी के, तो हो सकता है वो कर रहे हो, तो उनको किसी ने बताया होगा, कोई तो बात ऐसी हुई होगी जो ऐसे ही बोल रहे हैं। ये काइंड ऑफ आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, उस दिन भी जैसे शायद वो पॉलिटिकली डिस्टर्ब चल रहे हैं जो उनके फादर, ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, उस दिन भी उनको बीच में नहीं आना चाहिए था, दो मिनट का रापता जो वार्तालाप उनके फादर के साथ होना था और बात खत्म हो जानी थी। हो सकता है उनको राजनीति उतनी समझ नहीं आती होगी, उनको उनके हिसाब से ऐसे ही होता होगा, तो हो गया थोड़ा सा। आप लोग माफ भी नहीं करोगे भाई आपका? हमने तो देखिए, हमने उस दिन जैसे ही बोले उनसे, पर्सनल हमारा कुछ नहीं है, मैंने को शुरू वीडियो के शुरू में बोला, मैं अब भी बोल रहा हूँ, हमारा पर्सनल उनसे कुछ नहीं है, हमने किसी मीडिया रिपोर्टिंग में ये नहीं बताया कि वो कहाँ से आए हैं, वो क्या करते हैं, वो कितने पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, कौन सा नशा करते हैं, क्या खाते हैं, ना हमने पता किया, ना हमने बोला, ना मुझे पता है कि वो क्या खाते पीते हैं, मुझे नहीं पता, ना मैं वो बोलूंगा, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जो नहीं बोलूंगा मतलब ऐसा लगता है कि आपको नहीं, पता नहीं, है। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता उन्होंने क्वालिफिकेशन भी क्या की है, वो कितने पढ़े हैं, कहां से पढ़े, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे ये नाम उनका कल पता चला कि उनका नाम विक्रम देते हैं, उन्होंने उनकी पर्सनल लाइफ है, वो फ्री है, 18 प्लस है, वो जो मर्जी करें, वो आजाद देश में रह रहे हैं, आजाद हिंदुस्तान में जो मर्जी, मेरे को उससे कोई आपत्ति नहीं है, बट ये है कि ये बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स है उनकी तरफ से, उनके फादर एक सीजनल पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन रहे हैं, फार्मर डिप्टी सीएम रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं उनके फादर भी इस चीज़ में लैग करके कि अपने सपुत्र को नहीं बता पाए, वो बड़ी राजनीति में शायद से उनके सपुत्र जो है वो लैग कर रहे हैं, कि अगर सीख रहे हैं धीरे धीरे, गिरेंगे तो सीखेंगे, सीधे ही आप कहते हैं कि ऊपर ही चढ़ जाए, ये हो सकता है कि वो गिर के सीख रहे हैं, लेकिन ये गिर के सीखने वाला तरीका थोड़ा मुझे उनका मतलब ठीक नहीं लगा, कि आप ऐसे ही अचानक से उठ के ऐसे एलिगेशंस लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ना सिर है ना पैर है। क्या कहना चाहेंगे आप विक्रमादित्य जी? मैं उनको बस यही कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने एक एलिगेशंस लगाई हैं, आप उनको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके आप बोल दें कि एलिगेशंस मैंने बाय मिस्टेक या मैंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन लगा दी है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने फ्रस्ट्रेशन में लगा दी, हीट ऑफ द मूवमेंट में लगा दी, मेरे से गलती हो गई है ये। अगर वो नहीं मानते हैं, फिर से लगाते हैं और इस बात को बढ़ाना चाहते हैं, तो ईद के बाद जो नेक्स्ट वर्किंग डे है, मेरे को उस पर डिफेमेशन केस फिर करना पड़ेगा। अगर वो फिर से ऐसा करते हैं, फिर से ये वाली एलिगेशन लगाते हैं कि यूनिवर्सिटी में ये सब करते हैं, ये कर रहे हैं, तो मुझे भी अपना फ्यूचर देखना है, मुझे भी खुद को प्रोटेक्ट करना है, तो मुझे मजबूरन ईद की छुट्टियों तक वेट करके उसके बाद जो वर्किंग डे आएगा मेरे साथ, जो बाकी के उनके लिए शायद वो शराबी होंगे जा होंगे, लेकिन यहाँ पे बड़े पढ़े लिखे वकील हैं जो यहाँ से निकलते हैं, हाई कोर्ट के सारे वकील यहीं से निकल रहे हैं, मेरे साथ हैं, जो मैं उनसे डिस्कशन करके इस बारे में बात करके पूरा करके एक डिफेमेशन केस, अगर वो नहीं मानते हैं, अगर वो अपोलोजाइज इस चीज़ पे नहीं करते हैं या वो वीडियोज़ डिलीट नहीं करवाते हैं उन मीडिया चैनल से, मीडिया हाउसेज से जहाँ पे उन्होंने ये एलिगेशन लगाई हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो वीडियोज़ डिलीट करें, पहले नंबर। दूसरा, वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोलें कि मैंने एलिगेशन जो है फ्लो में लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ठीक, मेरे को उनकी चीज़ एक अच्छी लगी जो उन्होंने सीधे बोल दिया कि हाँ मेरी, मैं जब अंदर से निकला वहाँ से अरजिंदर सिंह ऑडिटोरियम से, तो मैंने लड़के के कंधे पे ऐसे हाथ रखे, बोला कि भाई तू कौन है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ये उन्होंने एडमिट किया। इस इतने एडमिट में ही वो सारी बात एडमिट करके कि स्टार्ट मैंने किया, मैंने कंधे पे हाथ रखे लड़के को बोला भाई तू कौन है, तुम ही पूछ रहा है, इतने में वो एडमिट कर गए कि स्टार्ट मैंने किया। जब उन्होंने इतना एडमिट किया तो यहीं पे बात खत्म कर देते कि मेरी गलती थी, मैंने एडमिट कर रहा हूँ, मेरी गलती है। बात लगता कि उस जगह पर आपका जाना सही नहीं था? नहीं, हमारा देखिए, हम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, हम उस सेमिनार को भी हम अटेंड करके आए, हम उस सेमिनार में उनको हमने रिक्वेस्ट की कि आपने तो बड़े प्यार से हमने उनको रिक्वेस्ट की कि सर आपने पिक्स गलत जगह रखी है, हम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वो जो सेमिनार था सबके लिए ओपन फॉर ऑल था, वो तीन दिन से हिस्ट्री के हमारे ही साथी, हमारे ही दोस्त, हमारे हॉस्टल के भाई मेहनत कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे, हम सब उसमें इनवाइटेड थे। वहाँ पे अगर हमने उनके साथ लंच किया है, अगर उनका तो उनका वो खाना खाया है, नमक खाया, तो उनके सेमिनार में भी हम भी सुनेंगे अपने राजाओं के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कि क्या बता रहे हैं, सब इन्वाइटेड थे उसमें। हमने उनसे पहले रिक्वेस्ट की बड़े प्यार से कि सर ये जो अपने नीचे लगाए हैं वो एक्चुअल में शायद से मेजर रिटायर्ड मेजर जो गोवर्धन जी हैं उनकी पर्सनल कलेक्शन थी, तो उन्होंने नीचे रख दी। ठीक, वो उनकी एक उनकी एंड से मिस्टेक था, हिस्ट्री डिपार्टमेंट का भी इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, वो गोवर्धन जी ने जो थी अपनी पर्सनल कलेक्शन नीचे रख दी, तो उनसे जो था वो बोला गया कि इसको ऊपर रखें, उन्होंने उसको उठा के ऊपर रखा, उनकी जो कलेक्शन थी उनके फ्रेम्स को ऊपर रखा।
उसके बाद हमें वो सर की स्पीच या सर का प्रोग्राम खराब करना बिल्कुल ठीक नहीं लगा। हम बाहर आ गए, हमने सर का वेट किया। हम अगर ऐसा होता हमें होता तो हम तो कहते जल्दी खत्म हो और हम यहाँ से जाएं। अगर हमें ऐसा ही कुछ करना होता प्री प्लान तो हम अंदर जाते, अंदर जनता बैठी थी वहाँ पे हल्ला गुल्ला करते, प्रोग्राम खराब करते। ऐसा तो नहीं है डॉक्टर साहब, आया आपने कहा कौन सुनेगा, कोई आपको भाजपा पार्टी ही पसंद नहीं, आपने कहा ना भाजपा हम कांग्रेस वालों को प्रमोट करेंगे, ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं, भाजपा पे तो चलो हरि सिंह जी पे बोल रहे थे, वो अच्छा लेक्चर दे रहे थे, इसमें मैं वो दो राय नहीं है कि वो गलत बोल रहे थे, वो अच्छा लेक्चर दे रहे थे, वो हरि सिंह जी के बारे में बता रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं उनको ये नहीं बोलूंगा या उसमें, ना ही वो कोई बीजेपी को वहां पे प्रमोट कर रहे थे। मैं जो सच है वो सच हम सीधे बोलेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं था, वो एज अ प्रोफेसर ही वहां पे बता रहे थे, एज अ प्रोफेसर ही वहां पे बता रहे थे डॉक्टर साहब। बट ये था कि हमने ये कहा कि अब सर का वेट करेंगे, सर से बाहर बात करेंगे। हम बाहर आए, सर से बाहर बात करेंगे, हम इनका सेमिनार खराब नहीं करेंगे और सर की स्पीच भी खराब नहीं करेंगे। हमने बाहर वेट तो अंदर खराब करते आप नहीं करना चाहते थे ना, हम तभी बाहर आए क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में किसी पकड़ी होगी। ऐसा होता हम बाहर लग तो ऐसे रहा जैसे आप कह रहे हैं कि बाहर आ गए आप, हम खराब नहीं करना चाहते, मतलब आप क्यों, हम सर से वहां पे ये चीज नहीं करना चाहते थे कि सर फोटो नीचे क्यों लगे हैं, अगर हम वहां पे हल्ला गुल्ला करते फोटो नीचे क्यों लगे हैं, नीचे क्यों लगे हैं, तो वो प्रोग्राम खराब हो जाता, हिस्ट्री डिपार्टमेंट का प्रोग्राम खराब हो जाता, सर की भी जो स्पीच थी वो रह जाती। जैसे उनके सपुत्र बोल रहे हैं उन्होंने बड़ी तैयारी करके लिख के लाई थी, वो भी हम नहीं चाहते थे ऐसा कुछ भी। अंतिम सवाल, राजनीति तो नहीं कर रहे? नहीं सर, राजनीति कोई राजनीतिक पार्टी के इशारों पे तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें तो पता भी नहीं था कि उनके जो सपुत्र हैं वहाँ पे आए हैं, तो बाद में पता चला कि वो उनके सपुत्र हैं और वो बदतमीजी करके चले गए। हम तो सिर्फ एक सर से क्वेश्चन पूछने आए थे, जो आज हम नहीं सब पूछ रहे हैं कि सर छुट्टी कब मिलेगी, सर राजा जी के जन्मदिन पर छुट्टी कब मिलेगी, जो सारी दुनिया पूछ रही है, हम भी वही एक सवाल पूछने आए थे। और दूसरा सर, तस्वीरें नीचे क्यों पड़ी थी? हम बिल्कुल प्यार से सर तैयार भी थे सुनने को, और सर हमें पता है कि हम उनको जानते हैं, वो हमें आंसर भी देते इस पे, उसके बाद भी वो हमसे बात कर रहे थे और उस पे हमें आंसर भी दे रहे थे। बट अगर उनके बेटे वहां पे नहीं होते तो शायद यहां तक बात ही नहीं पहुंचती। और अगर वो सर के साथ गए भी थे, चलो जा सकते हैं अपने फादर के साथ, मैं नहीं मना करूंगा कि आप नहीं आओ, यूनिवर्सिटी मेरी भी नहीं है कि आप फादर के साथ मत आओ, उनके फादर प्रोफेसर रहे, आप आए यूनिवर्सिटी में, आप उनके साथ आए, बट इंटरवीन मत करें। अगर सर से कोई बात कर रहा है एज अ प्रोफेसर या एज अ डिप्टी सीएम, आपकी कोई कैपेसिटी नहीं है, ना तो आप प्रोफेसर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, ना आप डिप्टी सीएम रहे हैं। हम डिप्टी सीएम जी से सवाल पूछ रहे हैं, हम अपने प्रोफेसर साहब से सवाल पूछ रहे हैं, हमारी इंटरेक्शन उनके साथ है। तो सर यू आर नो वन कि आप बीच में इंटरवीन करें और धक्का लगाना शुरू कर दें, तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है। हाँ, अगर हम कोई बदतमीजी कर रहे थे तो वो सिक्योरिटी सर को इसीलिए प्रोवाइड हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर को सिक्योरिटी इसीलिए दी है कि अगर कोई सर के साथ कुछ करेगा वो बचाएगी उनको। तो क्या इनको मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी पे भरोसा नहीं रहा, सीआरपीएफ वालों पे भरोसा नहीं रहा, वो सर को नहीं बचा सकते? जो इनके सपुत्र को आके ऐसे छह छह बंदों को मतलब अकेले सीआरपीएफ छह पे भरोसा नहीं रहा, अकेले इनके सपुत्र आके लड़ रहे हैं, वो वीडियो नहीं सामने आई है ही? सर आई आई है, मेरा यही जो आपको दिखाई वही तो है वो, नहीं, वो ऐसे जो आप बोल रहे हैं, उन्होंने स्टेयर से ऊपर से स्टार्ट कर दिया, उन्होंने खुद तो बोल दिया वीडियो में कि मैं गया और मैंने लड़के के कंधे पे ऐसे लगा हाथ रखा कि भाई तू कौन है। उन्होंने शुरू वहीं से किया, अपने फादर साहब के यहाँ पे आया, धक्का लगाया दोनों को, हम मेरे को और सनी पर, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, नीचे चलो नीचे चलो। और वो सीढ़ियाँ उन्होंने बोला अपने वर्जन में कि सीढ़ियाँ बड़ी टाइट थी। हम इतना बताना चाहते हैं कि हम बाहर वाली साइड खड़े थे, जिस हिसाब से वो ऊपर से आए थे अंदर से, हम गिर सकते थे ऊपर से नीचे, सीढ़ियाँ सच में टाइट थी और हम गिरते हमें लगती, उनको ये लग रहा है अब ये बोल रहे हैं कि सीढ़ियाँ राइट है, लेकिन उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि मैं जिस शेप से सीढ़ियों में धक्का दे रहा हूँ तो उनको लग जाती। तो ये इमेच्योर ही बोलूंगा मैं इसको, इमेच्योर बिहेवियर ही बोलूंगा, राजनीति वो नए नए सीख रहे हैं, चलो ठीक है, अच्छा है आपने बोला गिर के सीखेंगे, बट ये कि इतना इमेच्योर ना करें कि उनका भी अभी स्टार्ट हुआ है कैरियर और हमारा भी स्टार्ट हुआ है, ऐसे स्टेज पे ना लगाएं, ऐसे घिनौने इल्जाम आप बेतुके इल्जाम ना लगाएं। हाँ, आपके पास अगर कोई प्रूफ है, अब यूनिवर्सिटी में 40 डिपार्टमेंट है, सब में जाइए, रिटर्न में पूछिए कि मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है, वीसी चैंबर जाइए, रजिस्ट्रार के पास जाइए, डीएसडब्ल्यू के सर के पास जाइए, जहां जाना है। कंप्लेंट नहीं है, कोई पुलिस स्टेशन में मामला नहीं, वो दो चार दिन पहले कोई लड़कों को पीटा है, अगर मेरे नाम पे अगर कोई लड़कों ने पीटा है, कोई कुछ तो होगा इसका सबूत, कहीं पे भी मेरे नाम का कोई सबूत ले आए कि मुझे किसी ने कोई पीटा है या मेरे लिए कोई किसी लड़की ने कंप्लेंट की है। सात बानों को तो नहीं पीटा? नहीं नहीं, अगर देखो वो पर्टिकुलर ना मेरा नाम लेके वहां पे बोला कि अनिरुद्ध ने पति लड़की छेड़ी है और उसको उन्होंने लड़कों ने मारा है, तो अगर ये इसका एक प्रूफ भी ले आए पूरी यूनिवर्सिटी से, वो आए यहाँ पे रैकी करें, अपने किसी को भेजिए, मीडिया हाउसेस से आए, आप करें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप करें, एक सिंगल एविडेंस भी अगर मेरे अगेंस्ट मिलता है तो जो वो बोलेंगे, जो आप बोलेंगे, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, यहाँ पे सबके सामने बोल रहा हूँ कि अगर मेरे खिलाफ ऐसी कोई भी एलिगेशन प्रूव होती है तो मैं यहाँ से अपनी पीएचडी छोड़ के जाने को तैयार हूँ, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। बट उनसे मैं ये करूँगा कि अगर नहीं हो रही है, प्रूफ के साथ आप मेरे पे लगाएं एलिगेशन, मैं तैयार हूँ, बिना प्रूफ के बेतुकी बातें ना करें। अगर हाँ आपके पास है कोई तो ठीक है, आप बताएं मेरे को, मैं छोड़ दूंगा। बट अगर नहीं है या आपने गलत लगाई है, चाहता हूँ मीडिया उसी से वीडियोज डिलीट करवाएं, जब मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एक जनरल प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे माफी मांगे कि मैंने गलत ऐसी एलिगेशन लगाई हैं। हाँ, अगर उनको इसका जो है वो अभी तक नहीं है रियलाइजेशन कि मैंने गलत बोला या मैंने गलत किया है, वो अभी भी बोलते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने सही किया, तो मैं उनको डिफेमेशन केस डालने के लिए मैं तैयार हूँ इस पर। चलो शुक्रिया हमसे बातचीत करने का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।